हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है कि बूट रॉकेट्स 400 और 450 में कौन सा आज के डेट में 2021 में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी पे बेस्ड पे हम लोगों ने वीडियो बनाया है। हमारे पास दोनों ही मॉडल अवेलेबल हैं। ये बूट रॉकेट्स 400 है जिसको मैंने आज से 2.5 साल पहले परचेस किया था, और ये बूट रॉकेट्स 450 है जिसको मैंने 1.5 महीने पहले परचेस किया था। ये उसका बॉक्स है, तो 1.5 महीने पहले किया था। ऑफकोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और गाइज ये 2.5 साल से ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय ये जो इसके ऊपर जिस कुशनिंग के ऊपर जो लेदर कोटिंग था वो सिर्फ उखड़ चुका है, वो भी शायद स्वेट के कारण। अदरवाइज़ अभी भी सब कुछ ठीक है। बैटरी बैकअप 20 से 19 उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, पर जब से ये आया है तो मैं इसे कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अपग्रेडेड वर्जन है और ये सुपर्ब है। अंडर 2K में ये बेस्ट हेडफोन है। अभी भी 2021 में कोई लेना चाह रहा है तो आग बंद करके इस पे जा सकता है, लेकिन अभी भी इसके भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अभी भी ये खरीद रहे हैं। और नो डाउट ये भी बहुत अच्छा, अगर आपको ट्रैवल चाहिए तो ट्रैवल के लिए ये बेस्ट है, और अगर आपको बेस चाहिए तो ये भाई साहब खतरनाक चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या क्या है, तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। ये इसका स्टार्टिंग था जब ये हेडफोन आया था, तो तब बूट के ज़्यादा हेडफोन थे नहीं मार्केट में, शायद यही पहला था, और इसीलिए ये इसका स्टार्टिंग था, तो उतना कुछ खास इसका कंफर्टेबल तो उतना मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक ठाक हाँ। और लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है कानों में, ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर कंफर्टेबल वाइज बोलोगे कि अगर 2-3 घंटे तक आप लगातार म्यूज़िक लवर हो, सुन रहे हो या ट्रैवल पे हो, तो ये एक टाइम पे आके आपका कान दर्द करने लगेगा, पर ये भाई साहब बहुत कंफर्टेबल। इसका कुशनिंग भी बहुत अच्छा है, और दोनों में अगर प्रीमियम लुक किस में आता है तो 450 बहुत प्रीमियम है, पर 400 उतना कुछ प्रीमियम नहीं है। और 2.5 साल पहले ये आया ही था तभी ये मार्केट में न्यू, और प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो लगभग दोनों ही 2K के अंदर आते हैं। पर अगर मेरे तरफ से अगर आप बोलोगे कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए, तो 2021 में आपको 450 के तरफ जाना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और इसमें दोनों में फ़र्क क्या, तो मैंने बता ही दिया, इसका ट्रैवल अच्छा है, इसका बेस अच्छा है, इसमें गूगल असिस्टेंट है जो शायद ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों का चार्जिंग होने का टाइम भी सेम है, बस हाँ फ़र्क ये उतना कम्फर्टेबल नहीं है, ये बहुत कम्फर्टेबल है। इसके कुशनिंग्स बहुत अच्छे हैं, इसके कुशनिंग्स में कुछ खास नहीं है, और ये उतना प्रीमियम लुक नहीं देता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, ठीक है। बस अब आपको जो लगे, आपको जिसके तरफ जाना है आप जा सकते हैं, दोनों ही अभी भी अवेलेबल है, कंपनी ने किसी को बंद नहीं किया है, दोनों ही चल रहे हैं, आपको जो लेना है ले सकते हैं। मेरा पर्सनल रिव्यू, बोट रॉकर्स 450 बेस्ट है, और दोनों का ही लाइफ जैसे ये 2.5 साल से टिका हुआ है मेरे पास, आई थिंक इसका भी लाइफ वैसा ही कुछ होगा। दैट्स इट, थैंक यू।